सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लॉन्ग वीकेंड्स की ये आखिरी शाम आपने मेरे नाम कर दी, इसलिए आप सबका तहे दिल से मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है लॉन्ग वीकेंड्स की आखिरी शाम ऐसी भाषणबाजी में कहाँ बिताए। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे बीच से अभी जो गई हमारी परम सते उर्मिला बहन जी, मेरे सीनियर साथी, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सीनियर कांग्रेस लीडर आदरणीय जीवाबाई, डॉक्टर सुधीर भाई परीख, हमारे बहुत पुराने साथी परम सते रमेश भाई पटेल जी, जिन्होंने पूरी मेहनत हम सबको मिलाने के लिए की, ऐसे हर्षद भाई पटेल पका जी, दिलीप भाई चौहान, आरडी पटेल, डॉक्टर मल्होत्रा जी, पेम क्वात्रा जी, जॉर्ज अब्राहिम जी, राहुल जी, एरिक पटेल जी, दीपक जी, निशीवाल जी, हमारे डॉक्टर सुधीर भाई परीख, वीरेंद्र भाई, और इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोगों ने मेहनत की है कि अगर मैं उसकी बैठा बैठा देख रहा था जिन्होंने मेहनत की उसके नाम लिख लूं, लिस्ट कुछ लंबी हो गई है और वक्त भी लंबा हो गया है, तो मुझे माफ करना, मैं सभी के नामों का जिक्र यहाँ नहीं करता हूँ। पर इस शाम को आपके साथ गुजारने के लिए जिन जिन महानुभावों ने हमें मौका दिया, वो सभी महानुभाव स्पेशली यहाँ के समाज के प्रेसिडेंट आरडी पटेल और उनके सभी साथीगण धीरू भाई मुखी से लेके जो भी सुरेश भाई मुखी से लेके जो भी इसमें शामिल हुए, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बातें बहुत हुई है और मैं समझ सकता हूं कि वो कहा जाता है कि डेढ़ घंटे तक आप किसी को किसी हॉल में मेंटली प्रेजेंस रख सकते हो। डेढ़ घंटे के लेक्चर के बाद इंसान फिजिकली प्रेजेंस रह सकता है, मेंटल प्रेजेंस भी रहती है। और मैं इस बात को बड़ी बात ही समझता हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मेंटल प्रेजेंस को कैसे इनवाइट कर पाऊं, मैं कोशिश करता रहूं। 65 साल हुए हम आजाद हुए और मैं ये कहता हूं कि हम फख्र से, चाहे कोई केरला से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे कश्मीर से हो, चाहे कन्याकुमारी से हो, हम फक्र से सर ऊंचा रख के सीना तान के कह सकते हैं कि जो हमारे देश ने किया है वो दुनिया में और कोई नहीं कर पाया। हम सीना तान के बाद सिर्फ हमारे पास हिमालय है, हमारे पास ताजमहल है, हाँ जरूर है, पर इससे आगे भी हमने देश की आजादी पाने के बाद कुछ ऐसी चीजें पाई जो दुनिया के और देश नहीं कर पाए। देश आजाद हुआ और जिस दिन देश आजाद हुआ उसके पहले दिन से ये हमारा हिंदुस्तान था जिसमें सभी एडल्ट्स को, जो भी सिटीजन है हमारा और एडल्ट हुआ है, उसको वोटिंग राइट पहले दिन से दिया, तो हमारे देश ने सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारे जैसा वोटिंग राइट देने में इस कंट्री को 150 साल लगे थे, 150 ईयर्स। 10 लाख से ज्यादा लोग जो एक लैंग्वेज बोलते हो, ऐसी हमारे देश में ऑफिशियल 29 लैंग्वेजेस है, 29 भाषाएं हैं जिसे 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं, और फिर भी हमारा देश
एक है, कहीं दरार नहीं दिखती है। और आपके पड़ोस में देख लो कनाडा, 1960 टू 1965 का पीरियड देख लो, सिर्फ दो लैंग्वेज थी, इंग्लिश और फ्रेंच, और दो लैंग्वेज में इतना प्रॉब्लम हुआ, ये समझ लो कि कनाडा दो हिस्से में बट गया, फ्रेंच और इंग्लिश में, और हिंदुस्तान इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस होते हुए भी वो कहीं उसमें बंटवारा नहीं हुआ। मैंने कुछ चीजें अपने देश की है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक फक्र से हिंदुस्तानी के नाते मैं कह सकता हूं, ऐसे मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखने के लिए निकाली थी। हमारे वहां सबसे सस्ता स्टील अगर कोई देश प्रोड्यूस करता है तो हिंदुस्तान करता है, सबसे सस्ता फर्टिलाइजर कोई कंट्री बनाता है तो हमारा देश है जो सबसे सस्ता फर्टिलाइजर बनाता है, कॉपर स्मेल्टर का सबसे बड़ा अगर कोई सेंटर है तो वो हमारा देश है, यूरेनियम से तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा बहुत लोग करते हैं पर थोरियम से भी इलेक्ट्रिसिटी, जो यूरेनियम यूज हो जाने के बाद थोरियम बचता है, उस थोरियम से भी इलेक्ट्रिसिटी कोई देश पैदा करता है तो वो हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट करने वाला कोई कंट्री है तो हिंदुस्तान, आपको जान के ताजुब होगा, 700 टन सोना हमारा देश इंपोर्ट करता है हर साल, 700 टन सोना। आपके जैसे जो एनआरआई है बहुत बड़ी राशि वो हिंदुस्तान में भेजते हैं, हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी आधारशिला, एक बहुत बड़ा पावर अगर कोई है तो आप लोग, जो आप बाहर कोई डॉलर में, कोई पाउंड में, कोई येन में, कोई शिलिंग में पैसे कमाते हैं और हिंदुस्तान भेजते हैं। ये हमारा देश है जहां पे सबसे बड़ी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, उसकी स्पीकर एक महिला बैठी है मीरा कुमार। ये हमारा देश है जहां पे कभी कभी हम कहते थे कि हमारे गुजराती में हस्बैंड को पति कहते हैं तो कहते हैं कि महिला और पुरुष आप एक मानते हो, महिला सब कुछ कर सकती है, पति थोड़ी बन सकती है। मैं सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा सभी महिलाओं की ओर से कि उन्होंने सिर्फ एक की नहीं पूरे देश की राष्ट्रपति एक महिला को बना के दी, पूरे देश की पति भी महिला बन सकती। मैंने कहा था वहां हमारे गुजराती कॉन्फ्रेंस में भी कि मोबाइल का यूज पूरी दुनिया करती है आजकल, सबके पास मोबाइल होता है पर मोबाइल के मिस कॉल का अगर कोई सबसे ज्यादा उपयोग करता है तो जब मुझे ट्रेन मिल जाएगी एक मिस कॉल मारूं समझ लेना मिल गई, बेटा घर से कहके निकल रहा है, और जब दो मिस कॉल मारूं तो समझ लेना कि मौसी का घर आ गया। ये हमारा पेज, मैं इसलिए कुछ लाइटर टोन में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आई वॉन्ट योर मेंटल प्रेजेंस हो, और बहुत बड़ी भारी भारी बातें मैं जानता हूं बहुत पसंद भी नहीं आती। मेरा आपसे कुछ, क्योंकि आप दिमाग की सोच रखते हैं, आप अपने कंट्री से बाहर अपने चैलेंज उठाइए, बहुत आसान होता है, सीधे राह पे सब चलते चलते रहो बहुत आसान होता है, पर जो अपने आप को कहे चल साहिल दूर जाएंगे, चल साहिल दूर जाएंगे, चित्र अब लहरों पे बनाएंगे, अरे ओ आंधियो जिद है मेरी, तेरी ही दहली पे आके दिया मैं जलाऊं, ना तो लहर पे चित्र बन सकता है ना आंधी के सामने दिया जल सकता है, पर जिसमें ये विल है मैं चैलेंज करता हूं
कि लहर में भी चित्र बनाऊंगा और आंधी के सामने भी दिया जलाऊंगा, वो बड़ी बात होती है। और वो आप लोग हो, आपने उस अदरवाइज आपके फोर फादर्स आपका जहां चल रहा है देश में है करेंगे का जो होता है वो रोटी खा लेंगे। कहां कोई सोने की रोटी और चांदी की सब्जी खाता है, मिल जाए ये करके जीते लो। आपने चैलेंज उठाई, नहीं मैं बाहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा और मैं कुछ और करके दिखाऊंगा। वो करने वाले आप सब हो, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। देश छोड़कर इस देश में आया, बसे यहां, काफी चैलेंजेस ली होगी आप, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान में बसता है। गुजरात सिर्फ वो गुजरात नहीं है जहां 6 करोड़ गुजराती गुजरात में बसते हैं, 1 करोड़ गुजराती और है जो पूरी दुनिया में बसते हैं। उन गुजरातियों का भी या उन हिंदुस्तानियों का भी अपने देश और अपने राज्य पे उतना ही अधिकार है जितना वहां रहने वाले हैं उनका है। तो कहता हूं आपका एक स्टेप हमसे ज्यादा अधिकार है कि आप बाहर निकल के इस देश का नाम रोशन करते। मैंने देखा है बहुत दुनिया में आप सबके आशीर्वाद से घुमाओ। लोग कहते हैं कि मुझे पड़ोस में हिंदुस्तानी चाहिए, पड़ोसी कोई गुजराती हुए तो वहां नहीं कहते हैं लोग, सामने से बुलाते हैं। ये क्रेडिबिलिटी है हमारे, हम उनको हमारा ढोकला खाखरा या हमारी रबड़ी या हमारा डोसा या हमारा उपमा उनकी आदत डाल सकते हैं, वो प्यार है हमारे लिए कि उनको पिज्जा से ज्यादा हमारी इंडियन चीजों में इंटरेस्ट होता है। मैंने देखा है यूरोप के किसी कोने में जहां पे एक भी हिंदुस्तानी नहीं है पर इंडियन टीम मिलती है। छोटा से सबब में मैं गया था, मैंने कहा हाउ मेनी इंडियंस आर हियर, नॉट अ सिंगल फैमिली, ऐसे तो देख लिया इज अ बॉय। पीटर करके मेरा दोस्त साथ में था, ब्रिटिशर था, उसने कहा कि यहाँ पे कोई हिंदुस्तानी नहीं है पर हिंदुस्तानी एक पहले फैमिली यहाँ रहती थी और सबब में सबको उसने हिंदुस्तानी चाय की आदत डाल दी है, वो फैमिली तो चली गई है पर हिंदुस्तानी चाय रह गई है। ये हिंदुस्तानी पार्लियामेंट क्यों होती है? पार्लियामेंट होती है बहस करने, असेंबली विधानसभा क्यों होती है? बहस करने के लिए। ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी कौन है? आवाम के रिप्रेजेंटेटिव, उनका धर्म क्या है? वहां बहस करना है। हमारे देश की पार्लियामेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया, उसमें कहा कि कोयले का अगर आपने जिस पुरानी पॉलिसी के जरिए काम दिया कोलगेट घोटाला वो नहीं देते और ऑप्शन करते तो इतना फायदा होता, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा। क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, कितना नुकसान हुआ, किसने करवाया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, बहस होनी चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आई एम रेडी टू डिस्कस इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, रूलिंग पार्टी कहती है कि आइए आप बहस कर लीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, आप सवाल कीजिए। मेन ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट चलने नहीं देती है। किसी चैनल ने आई थिंक हेडलाइंस टुडे और या टाइम्स नाउ बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया और ढूंढ के कुछ चीज निकाल के आवाम के सामने रखी कि भारतीय जनता पार्टी बहस इसलिए करना नहीं चाहती है क्योंकि कोयला जहां निकलता है उस दो स्टेट के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि हमें हमारे प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, वी हैव अवर कमिटमेंट्स, आप अगर ऑप्शन करोगे तो बीडर्स बड़े दाम से कोयला ले जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान हो रहा है, हमें ऑक्शन नहीं करनी है। आप वही पुरानी नीति पे चलो, किसने नीति बनाई थी?
एनडीए थी जब बीजेपी वॉज लीडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी नीति बनाई थी, इसलिए बहस नहीं करो, प्रधानमंत्री डिजाइन कर दे। चलो अगर यही स्टैंडर्ड है कि कैग में कुछ आया तो प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन देना चाहिए, तो गुजरात के कैग के रिपोर्ट में कहा है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने सस्ते में गैस दिया जो आम आदमी के लिए का था, और उसका क्रोज ऑफ रुपीस एक आदमी के मुनाफे में गया था, और इसका बर्डन गुजरात की आम जनता पे आया, तो वो घोटाला नहीं हुआ, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए। आपके दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं डेमोक्रेसी में? इफ यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, बी फर्म। इफ देयर इज समथिंग इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट, गवर्नमेंट शुड गो, इधर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर शुड गो। पर जहां हमारा स्टेट है, हम ठीक है, कैग कुछ भी कर ले, कैग इज नॉट अ फाइनल अथॉरिटी, वी हैव अवर पब्लिक अकाउंट कमिटी, लेट इट गो इन द पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी विल डिसाइड वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। वहां पे आप ये कहते हो और पार्लियामेंट में कहते हो कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका बायोडेटा दुनिया के किसी प्रधानमंत्री से बेहतर है, और ऐसा प्रधानमंत्री कि जिसके लिए ओबामा को कहना पड़ा कि अगर रिसेशन आता है और रिसेशन में देश की जीडीपी आगे बढ़ानी है तो मनमोहन सिंह जी के पास जाके क्लासेस लेने पड़ेंगे, हियर इज द इकोनॉमिस्ट, हियर इज द प्राइम मिनिस्टर हु नोज हाउ टू लीड द कंट्री, आप उसका रेजिग्नेशन मांगते हो किस आधार? एक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, एक सरकार है देश की, जो किसी को बचाना नहीं चाहती। अगर यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने गलत किया है, मिसेस गांधी विल से डोंट प्रोटेक्ट हिम, इफ अ पर्सन इज गिल्टी ही शुड गो बिहाइंड बार्स, यूनियन मिनिस्टर जेल में जा सकता है और देश का प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी उसको बचाते नहीं। व्हाट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी? मैं आपसे सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आपके इश्यूज होंगे, बिकॉज आप देश के बाहर हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज यहां पर आए हो, आपके काम हम अगर कहीं आ पाए तो जरूर अधिकार के साथ कहना, उस काम में मदद करना मेरा फर्ज होगा। मैं आपके कामों में जो बन सकता है, अभी एक अंगोला में इशू हुआ था, हिंदुस्तानी लोग थे, गुजराती ज्यादा थे, एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग गए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, टूरिस्ट वीजा पे और काम पे लग गए, माने इलीगल काम चल हो रहा था, सीमेंट फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई, झगड़ा हुआ, तोड़फोड़ हुई, कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया, वो वहां की सरकार का कहना था, एफआईआर फाइल हुई, हमारे लोग जेल में गए, वहां से कुछ लोग जंगल में भाग गए डर के मारे, अंगोला में पुलिस के डर के मारे, वहां से एक जंगल से एक आदमी का फोन आया मोबाइल पे, गुजराती था, नड़ियाद के पास छोटे टाउन का रहने वाला था, शेड्यूल कास्ट का बंदा था, तो फोन आया कि आई एम सफरिंग, आई एम क्राइंग, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट हिम, आई गॉट योर मोबाइल फ्रॉम समवन, विल यू प्लीज हेल्प, आई सेड यस इट इज माय ड्यूटी। मैंने उनसे डिटेल ली, मैं खुद गया अहमद पटेल जी के वहां, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को फोन करवाया, मैं खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास गया, और मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा यूपीए गवर्नमेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कि उन्होंने अंगोला की सरकार से बात की कि आपकी जेल में जिसको रखा है वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, अगर कुछ गलती हुई है तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि उसको हमारे देश भेज दो, वो आपकी जेल में एक दिन भी नहीं रह पाएगा। और एम्बेसी में कहा गया कि तुम लोग पहुंच जाओ उधर, उनके अगर पासिस उनके अगर पासपोर्ट नहीं है, स्पेशल परमिट बनाओ और इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे उसको देश में ले आओ, और तीन दिन में वो सभी गुजराती गुजरात में।
ये हमारा फर्ज है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना वेबसाइट है www.shaktisinghgoyal.com, इट्स वेरी इजी, ऑन गूगल यू में सर्च, वहां पे मेरा मोबाइल नंबर भी लगा के रखता हूँ। ईमेल्स है, मोबाइल नंबर भी, जनरली पॉलिटिशियंस मोबाइल नंबर नहीं देते, मेरा मोबाइल नंबर सबके लिए खुला है, जब चाहो आप कर लीजिए। कभी आप व्यवस्था में अगर मेरा मोबाइल किसी मेरे सिक्योरिटी के पास रहा है, किसी के पास रहा, तो मैं सामने से आपको फोन करूंगा। लाइक अभी मैं यहाँ पे हूँ, आई वुड डाइवर्टेड माय मोबाइल टू माय रेसिडेंस, मेरा ऑपरेटर उठाता है और कहता है कि अमेरिका में है, अगर आपको इमरजेंसी है तो ये अमेरिका का लोकल नंबर है, बात करो। तो आप जरूर आपके सजेशन भेजना, मेरे से जो बन पाएगा वो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। हम बार बार कहते हैं कि राम राज्य बहुत अच्छा था, राम राज्य आ गए तो बहुत अच्छा। राम के राज्य में मैं सोच रहा था कि क्या वो क्या खास बात थी। राम के राज्य में ये बात थी कि नदी के किनारे पे कपड़े धोने वाला गरीब झोंपड़े में रहने वाले एक इंसान के दिल से आह निकलती थी, वो राजा के कान तक पहुंच पाती थी, वो राम राज्य, इसलिए राम के राज्य को याद करते हैं। उसी वक्त का एक दूसरा राज्य था जिसके राजा की नगरी सोने की मानी जाती है, रावण की नगरी सोने की मानी जाती है। तो फिर विकास पुरुष तो रावण हुआ जिसने पूरी नगरी सोने की बना दी, और अगर वो विकास पुरुष था तो राम उसको मारते कभी, पर रावण के राज्य में चंद चहीते राक्षसों के महल इतने बड़े थे, सोने के थे, कि दूर से देखो तो नगरी सोने की लगती थी। वहां का आम आदमी दुखी था, सच के रास्ते पे चलने वाला रावण का भाई विभीषण भी दुखी था, तो वो विकास सही विकास नहीं था, राम ने रावण को जाके मारा। हमारी लड़ाई गुजरात में ये चलती है कि चंद इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉस्पर करते हैं और 12 साल में एक बेहवा के पेंशन में सरकार 1 रुपयों की बढ़ोतरी ना करे, वो डेवलपमेंट ठीक नहीं है। एक आदमी को आप 1 रुपये में 5,86,64,000 लैंड 1 रुपये में दे दो और वो बंदा वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगाता है, उसी लैंड को 1,500 रुपये से 15,000 रुपये में पर स्क्वायर यार्ड बेचता है, वो बहुत पैसे कमाता है, उसके 5 हवाई जहाज रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मेरे कुछ मुद्दे आपके दिल पे रख के मैं जाता हूं, आप यहां रख के सोचना, गुजरात का डेवलपमेंट हमारा फर्ज है। भारत सरकार से 1 भी पैसा गुजरात में ज्यादा आए तो लाना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वहां पे मेरी सरकार। गुजराती में 2 बात करके मेरी बात खत्म करूंगा गुजराती भाइयों के साथ, कि गुजरात यशस्वी बने ये महत्वनु छे, यश कोने मळे ये महत्वनु नथी। नेटला माटे 108मी सर्विस पहला चालू थी, 5 જ રાજ્યો પસંદ કરવાના હતા તો સૌથી પહેલું ગુજરાત પસંદ કરાય। અમારી લડાઈ હોય છે ક્યાં હોય છે, વિકાસ સામે નહીં, પણ ગુજરાતમાં ગૌચર ઉદ્યોગપતિઓને અપાય અને ગાયને કતલખાને મોકલવાની ફરજ પડે, કારણ કે ગાય એને ઘરનું બહારથી વેચાતું લાવીને માણસ ખવડાવી ન શકે। આપણા ગુજરાતમાં વૃદ્ધ મા બાપને કોઈ ક્યારેય વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા ન જાય, એમ જે ગાયનું દૂધ ખાતું હોય એ ગાયને કોઈ વેચતું નહીં મરે ત્યાં સુધી એના ખીલે સાચવતું। પણ ગુજરાતમાં 3,30,000 હેક્ટર જમીન ગૌચરની જમીન ઉદ્યોગપતિઓને મુખ્યમંત્રીએ આપી અને પરિણામે ગાયો કતલખાને જાય, તો મારે એના સામે લડવું જોઈએ કે નહીં? આ ગુજરાતી તરીકે કહેજો, અને આપને લાગતું હોય કે મારી આ લડાઈ ખોટી છે તો હું આપને કહું છું, આપને આમંત્રિત કરું છું કે આપ સજેશન્સ આપજો, અને જ્યાં એવું લાગતું હોય કે મારા ગુજરાતનું હિત અને મારું રાજકીય હિત એ બેનો ટકરાવ આવી રહ્યો છે તો મારું રાજકીય હિત બાજુમાં મૂકીશ, મારા ગુજરાતનું હિત આગળ રાખીશ એ વાત નહીં। પોલિટિક્સ એ એની ઉપર હોય છે, રાષ્ટ્ર કે હિત કે ઉપર રાજનીતિ નહીં હો સકતી હૈ, રાજનીતિ કે ઉપર રાષ્ટ્ર કા હિત હો સકતા હૈ,
यही मेरी पार्टी सिखाती है, यही सोनिया गांधी का संदेश है, ये मनमोहन सिंह जी चाहते हैं। हम गए थे एक दो बार और उनसे कहा था कि आप भी थोड़ा पब्लिसिटी में खर्चा करवाए कि सेंट्रल में हमारी सरकार है, गुजरात सरकार बहुत पब्लिसिटी करती है। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज पीपल्स मनी, वी हैव नो राइट टू वेस्ट पीपल्स मनी। उनकी ये भावनाएं थी। 1992 में गुजरात सबसे आगे था देश में रियल इन्वेस्टमेंट में, पूरे एशिया में सबसे बड़ी दो रिफाइनरीज एसआर एंड रिलायंस जामनगर में आई, जनरल मोटर्स की फैक्ट्री पंचमहल में आई। तो विकास आज का नहीं है, विकास ना मेरी वजह से है ना नरेंद्र मोदी की वजह से है। अगर गुजरात में विकास है तो उस गुजराती जो है, 7 करोड़ गुजराती है, 6 करोड़ उधर रहने वाले, 1 करोड़ गुजरात से बाहर, उन गुजरातियों की वजह से विकास है। मैं उन गुजरातियों को सलाम करता हूं, ना मुझे हक है ना किसी और को हक है इस डेवलपमेंट की क्रेडिट लेने का। इस क्रेडिट के अधिकारी अगर कोई है तो सभी गुजराती है, उनका डीएनए डेवलपमेंट है, उनके हिम्मत ऐसी है कि कहीं जाते हैं मॉडल में काम करने के लिए, 3 साल के बाद उसी मॉडल के वो मालिक होते हैं। वो ऐसे ही नहीं होता है, वो काम करने से होता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे यहाँ पे साथी हैं दिलीप भाई, हमारे पका जी, और इन सब का बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। आप सबको इन्वाइट करता हूँ कि आप गुजरात में आए तो जरूर हमें मेहमान नवाजी का मौका देना, मेरे लिए कुछ भी हो तो जरूर कहना। आई हैव गॉट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। आई एम नॉट होल्डिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बट माय पार्टी इज इन पावर एट सेंट्रल, इट इज माय ड्यूटी कि आपकी जो फीलिंग्स है मैं वहां पे कन्वे भी करूंगा। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर डिटेल में आपके प्रॉब्लम्स हो तो भी जरूर आप फॉरवर्ड करना, मेरा बाकायदा आपको रिप्लाई मेरे सिग्नेचर के साथ, मेरा पीए या मेरा पीएस मिनिस्टर के दफ्तर से जवाब नहीं देगा, मेरी सिग्नेचर से आपको जवाब भी भेजूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। दिस कैन ओसीआई कार्ड होल्डर कैन हैव ए सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस टू डू बिजनेस वेयर द गवर्नमेंट लुक बैक ग्रैंड क्लेम हिस्ट्री? Yes, certainly. I think there should not be any problem. But I'll speak to, if anyone is facing a problem, I'll speak to External Affairs Minister and Commerce Minister if needed, Finance Minister, and we'll try to resolve. If there is any need to change the law, I will also try to pursue my party to make amendments. NRI has hard time to solve minor problems of land and house due to some office problem. What opposite party could do to solve it? Certainly we can raise in the assembly. I was also minister in the government, and at the relevant time there were many officers who worked with me. Mere saath jab main minister tha jinhone kaam kiya hai wo bhi bureaucrats hai, bureaucrat ke level pe personal baat karte bhi main aapko helpful ho sakta hu, nahi hota hai विधानसभा में इसको क्वेश्चन करके असेंबली में उठा के भी मैं जरूर कोशिश करूंगा। आपके प्रॉब्लम्स को आप जरूर भेज देना। एट अहमदाबाद एयरपोर्ट कस्टम ऑफिसर्स हैरेस ऑल एनआरआई पैसेंजर्स डिमांड राइट सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरास बी इंस्टॉल्ड टू स्टॉप करप्शन। दिस अ वेरी गुड सजेशन। आई विल सर्टेनली राइट टू फाइनेंस मिनिस्टर टू पुट दी CCTV cameras. It's a very good suggestion. I appreciate it. Nowadays it's not very expensive. आराम से CCTV camera लग सकता है और इसका monitoring कहीं ऊपर से होता हो तो कम से कम ऐसी चीजें नहीं हो। Particular किसी को जब आपको कोई किसी के साथ ऐसा मौका मिलता है, सबका नेमप्लेट यहाँ रहता है, आपको जो हैरेस करता है एयरपोर्ट पे, बाकायदा आप अपने नाम डिटेल के साथ जो भी बात घटती है उस कस्टम ऑफिसर का नाम यहां से पढ़ लेना, वो लिख के मुझे देना। आई विल मेक श्योर एंड आई विल यूज माय ऑल गुड ऑफिसेस कि दैट पर्सन शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम द एयरपोर्ट, वो वहां नहीं। करप्शन एक बहुत बड़ा दाग है हमारे देश के ऊपर, इसको मिटाना है, पर हमें भी ये सोचना है, मैं अपने आप को भी उसमें रखता हूं कि कहीं ना कहीं
हमें कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी और ग्रीन चैनल से निकलना है तो $100 दे दो, तो उस करप्शन को हम भी बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हादसे भी होते हैं। मैं चाहूंगा कि अननेसेसरी हैरेसमेंट बंद करवाने के लिए हमें भी मजबूत होना है, और इसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा। जो भी वहां कोई हैरेसमेंट हो आप जरूर कह सकते हैं, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था कि मैं बहुत संक्षिप्त रहूंगा क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स रहे और आप लोगों को भी अच्छा खाना खिलाने हैं वाले हैं। मुझे पका वैसे बात हुई थी, वो बड़े प्यार से इज अ वेरी गुड होस्ट, तो पका जी का ये अरेंजमेंट है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था, पर आप प्यार से सुनते रहे। और पॉलिटिशियन का वो कहते हैं कि प्रॉब्लम दो होते हैं, एक माइक एंड एक वाइफ। मेरे एक तो नहीं है पर इसका प्रॉब्लम है, माइक पे आ जाते हैं तो टाइम नहीं रहता। यस सर, एंड आई एम हियर विद यू फॉर सम टाइम, सो व्हेन वी मूव फॉर डिनर आप मुझे कंधे पे हाथ रख के पूछ भी सकते हो और मेरी खिंचाई भी कर सकते हो। आई एम ऑल ओवर।